बहुत देर कर दी बेटा, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। जी कहिए। मैंने माया से बात की, उसने मेरी बात मान ली है। कौन सी बात? वो हमदान से तलाक चाहती है। मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेज सकती हरत। माया ने फैसला अच्छे से सोच समझ कर किया? हाँ, मैंने कोई दबाव नहीं डाला उस पे। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ये सब बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं? कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, हर पहलू को मैंने बहुत अच्छी तरह से सोचा है, यही बेहतर है। तुम किसी अच्छे से वकील से बात कर लो। जी, मिल लूंगा। बस इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। जी, बल्कि तलाक के नोटिस के साथ साथ उन लोगों को घर खाली करने का भी नोटिस पहुंच जाना चाहिए। कौन सा घर? अरे वही घर जिस घर में वो लोग रहते हैं। तुम शायद भूल रहे हो, शादी के वक्त वो घर मैंने माया के नाम करवाया था। इसी शर्त पे तो मैंने माया और हमदान की शादी कराई थी। बहुत अच्छा फैसला किया था उस वक्त मैंने ये। ठीक है, मैं कल ही मिलूंगा। अच्छा तुम बताओ, क्या बात हुई थी अरिश्मा से तुम्हारी? मैंने भी वही फैसला किया है जो माया ने किया। मतलब? मैं अरिश्मा से अलहदगी चाहता हूँ। डैड, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई। आराम कर लेते, थक गए होंगे। तुम्हें देखकर मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। ठीक हो तुम? जी। आरिफ से बात हुई? बोलो बेटा। जी, उनका फोन आया था, हाल पूछ रहे थे मेरा। हाँ, ऑफिस में नहीं आया। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि माया के साथ मसरूफ हूँ। जी, ऐसा ही है। अच्छा, तुम्हारी उससे बात हो ना, उसे कहना कि कल उसने ऑफिस बहुत जरूरी आना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग टुमॉरो। ओके, आप खुद फोन कर लेना। मैं ये बात कहता हुआ अच्छा लगूं? तुम कह देना। कह दोगी? जी, कह दूंगी। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर चाय पीते हैं। ओके जी।